गर्मियों का मौसम हो और आम के अचार की बात नहीं हो, दादी नानी सब शुरू हो जाती हैं अचार डालना। आज हम बहुत ही आसान रेसिपी से अचार डालेंगे। यहाँ पर मैं 2 किलो आम ले आई थी और इनको अच्छे से धो के और एक दिन पूरा सुखा लिया था मैंने, जिससे कि आम का जो पानी है वो मर जाए, क्योंकि पानी रहेगा तो अचार खराब हो जाता है। कुछ इस तरीके से हम कैरियों को एक बर्तन में डालेंगे और इतनी आसान रेसिपी है ना कि जो फर्स्ट टाइम बना रहा है वो तो ऐसा लगेगा कि एकदम परफेक्ट है, पहले से बना रहा है। यहाँ पर 100 ग्राम सरसों दरदरी पीस ली थी, बड़ी वाली सरसों, और इस तरीके से हम डाल देंगे। 100 ग्राम सौंफ दरदरी पिसी हुई, लीजिए, लग रहा है ना एकदम चुटकियों का खेल, बस तैयारी ही करके रखनी है। कलौंजी, कलौंजी 25 ग्राम ही डालें, उससे ज़्यादा कलौंजी ना डालिए, 25 ग्राम कलौंजी काफ़ी है। दाना मेथी 50 ग्राम, इसे अच्छे से भून लिया था मैंने और सूखा ही भूना है इस तरीके से। अब इसे भी हम इसमें डाल देते हैं, और तेल से नमक से ये जैसे जैसे अचार तैयार होगा ये फूल जाएगी। अब हमारे बेसिक मसाले, हल्दी। हल्दी क्योंकि प्रिजर्वेटिव का काम करती है तो थोड़ी सी 2 से 2.5 चम्मच बड़ी हल्दी हमने यहाँ पर डाल दी। मिर्च जो है वो स्वाद अनुसार, अगर आपको तीखा अचार चाहिए तो आप ज़्यादा मिर्च डालिए, आपको कम तीखा चाहिए कम मिर्च डालिए, ये सब आपके ऊपर निर्भर है। इस तरीके से मिर्च डाल दी। अब नमक, बिकॉज़ नमक के बिना तो अचार का स्वाद ही नहीं आएगा, लेकिन नमक स्वाद अनुसार, ज़्यादा नमक अचार का टेस्ट ख़राब कर देता है। तो यहाँ पर हमने लीजिए नमक भी डाल दिया। अब इनको मिक्स करें, करछी से नहीं, हमारे ये 2 हाथ ही बहुत हैं, है ना। तो चलिए इनको अच्छे से कैरी के साथ सारे मसाले हम मिक्स कर देंगे। और जो मैं आम का अचार डालती हूँ उसमें मैं सरसों का तेल यूज़ करती हूँ, तो यहाँ पर मैं सरसों का तेल भी गरम करके ले आई थी। कुछ इस तरीके से हमारे देखिए मसाले मिक्स हो गए। अब हम डाल देते हैं इसमें तेल, तेल कुछ इस तरीके से थोड़ा संभल के, हाँ तेल हमने यहाँ पर डाल दिया है। और अच्छे से सरसों के तेल की जो खुशबू आती है ना अचार में, मज़ा ही आ जाता है। बनाते बनाते भी मेरे को बड़ा ऐसा लग रहा था कि बस कहीं से पराठा आ जाए और अचार खा लें, पर अभी ये तैयार नहीं हुआ है। इनको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया कुछ इस तरीके से, और लीजिए हमारा आम का अचार 10 दिन में तैयार हो जाएगा। आप भी डाल के देखिए, इतनी आसान रेसिपी है। जब बरनी में भरें कांच की में तो ऊपर से सरसों का तेल गुनगुना करके और डाल दें। आम का अचार पूड़ी के साथ, पराठे के साथ, एंजॉय विद योर फैमिली, आसान रेसिपी।